Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो है, इस फोन के अंदर अगर आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कैसे आप इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक आपको ऐसा फीचर बताऊंगा फिंगरप्रिंट की मदद से आप कॉल को आंसर कर सकते हो और यहाँ पे आप जो आपका अलार्म होता है उसको बंद कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी फिंगरप्रिंट को टच करा के कर सकते हो। इन फीचरों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके फोन की सेटिंग सबसे पहले आप उसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना है नीचे की ओर। जब आप नीचे की ओर आते हैं आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले तो पहले आपको इस फोन के अंदर स्क्रीन लॉक सेट करना होता है, तो हम पहले स्क्रीन लॉक के लिए सेट कर लेते हैं। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे। तीन तरह से स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, पैटर्न, पिन और पासवर्ड को। तो आप जो भी लगाना चाहते हो स्क्रीन लॉक के लिए उसको सेट कीजिए। यहाँ पे मैंने पैटर्न लॉक के लिए सेलेक्ट किया है। आप जो भी लॉक लगाना चाहते हो स्क्रीन लॉक के लिए वो डाल देना है और दो बार डालने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको डन कर देना है। डन करने के वापस आते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है। अब आपको जो स्क्रीन लॉक है वो यहाँ पर डाल दीजिए। स्क्रीन लॉक डालते ही आपको यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी फिंगरप्रिंट इस फोन के अंदर आप लगाना चाहते हो उसको आप टच कराइए इस तरह से। इस तरह से टच कराएंगे तो आपका इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट ऐड होना शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हो मेरे फोन के अंदर फिंगरप्रिंट यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने को तो यहाँ पे आपको सेटिंग क्या क्या करनी है वो ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन लॉक तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप लॉक एक्सेस करना है फिंगरप्रिंट से तो ये फीचर ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आपके फोटो वीडियो जो भी हाइड है उनको एक्सेस करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से तो इसको ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ, उनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो ऑप्शन देखने मिलता है उस पर क्लिक करना है। यहाँ तीन ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक तो एक्सेप्ट कॉल का, अगर ये ऑन रहेगा तो अपने फिंगरप्रिंट को टच करा के कॉल को आप आंसर कर सकते हो। दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, अगर ये ऑन रहेगा तो आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह चल रही है और आप उसकी रिकॉर्डिंग को करना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट को टच करा दीजिए कॉल रिकॉर्ड, मतलब कॉलिंग चलते समय तो कॉल रिकॉर्ड भी हो जाएगी। इसके बाद डिसमिस अलार्म का फीचर है, इसको भी ऑन कर देंगे तो आपके फोन पर जब भी अलार्म बोलेगा आप उसको बंद करना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट को टच करा दीजिए, आपका वो अलार्म भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सब फीचर देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, और इस तरह से आप इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट को लगा सकते हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।